आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बर्न गार्लिक राइस किस तरह से बनाते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो गैस का फ्लेम स्विच ऑन करके कढ़ाई या पैन रख लें और इसमें डाल दें तेल। अब तेल को थोड़ा गर्म होने दें। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है इसमें ऐड कर लें 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। हम बर्न गार्लिक राइस बना रहे हैं तो गार्लिक को गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें। जैसे ही गार्लिक पूरी तरह से पक जाता है इसमें ऐड कर लें 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे मिक्स कर लें अच्छे से। अब प्याज को पूरी तरह से पकने दें। जैसे ही प्याज पक जाता है इसमें ऐड कर लें 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/2 कप बीन्स। मैं इसमें सिर्फ 2 ही सब्जियां ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें और सब्जियां जैसे गाजर, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च या मशरूम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। सब्जियों में क्रंच बना रहना चाहिए तो सब्जियों को ओवरकुक ना करें और गैस का फ्लेम यहाँ हाई रखें। इसके बाद इसमें ऐड कर लें 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच या 2 चम्मच भी आप रेड चिली सॉस डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब जैसे ही मिक्सिंग हो जाती है इसमें ऐड कर लें 1 चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं इस स्टेज पर इसमें ऐड कर लें पके हुए चावल। मैंने चावल पहले से ही पका करके रख लिए थे, आप भी इसी तरह से बर्न गार्लिक राइस बनाने से पहले ही चावल पका करके रख लें। और चावल ओवरकुक्ड बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अगर चावल ओवरकुक्ड होते हैं तो ये रेसिपी अच्छी नहीं बन पाती है। तो चावल आप 95% तक ही पकाएं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती है तो बर्न गार्लिक राइस अच्छे नहीं बन पाएंगे, इसलिए मिक्सिंग आप बहुत ही अच्छे से करें। गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम से लो के बीच में रखें ताकि चावल जले ना। अब जैसे ही मिक्सिंग हो जाती है उसी के साथ ही बर्न गार्लिक राइस भी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी, और ये रेसिपी बहुत ही क्विकली तैयार भी हो जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल फ्राइड राइस की तरह आता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।